छत्तीसगढ़ के करवधा में खजुराहो नाम से प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर हजार सालों बाद भी मजबूती के साथ खड़ा है। करवधा जिले में पड़ने वाला ये मंदिर जिले के साथ ही पूरे देश की धरोहर माना जाता है। 11वीं शताब्दी में बना ये प्राचीन मंदिर आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। इसकी बनावट दूसरे मंदिरों से अलग है। इसकी कलाकृति और प्राकृतिक सुंदरता भगवान भोलेनाथ के भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। यही वजह है कि दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर पर पहुंचते हैं। ये मंदिर अपनी सुंदरता के साथ साथ आस्था का भी बड़ा केंद्र माना जाता है। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के करवधा जिले में आने वाला भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ के खजुराहो नाम से जाना जाता है। करवधा से करीब 10 किलोमीटर दूर मैकल पर्वत समूह में घिरा ये मंदिर करीब हजार साल पुराना है। इस मंदिर की बनावट भी काफी अनोखी है। इसे खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की तरह बनाया गया है। इस मंदिर के मुख्य द्वार की बाहरी दीवारों पर मिथुन मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर की दीवारों पर भी मूर्तियां बनी हुई हैं। जिले के इतिहासकार बताते हैं कि करवधा जिले में विरासत के रूप में भोरम देव मंदिर शामिल है। मंदिर की मूर्तियां नागर शैली में बनी है, जिसकी एक मूर्ति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर का निर्माण 1000 साल पहले करवाया गया था। इतने सालों बाद भी ये मंदिर आज भी पूरी मजबूती के साथ और सुंदरता के साथ खड़ा हुआ है। लोग जो है काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं, जो भक्त होते हैं वो काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं इस मंदिर को देख के। ये मंदिर जिले के दुर्लभ धरोहरों में से एक है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक मंदिर को लेकर एक किंवदंती भी प्रचलित है। मान्यता है कि यहाँ के राजा ने 11वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि नागवंशी राजा गोपाल देव ने इस मंदिर को एक रात में बनाने का आदेश दिया था। उस समय 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता था। राजा के आदेशानुसार इस मंदिर को एक रात में बनाया गया था। हालांकि कई लोग इन्हें सिर्फ कहानियां बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों का इस पर काफी ज्यादा विश्वास भी है।